अनुराग कश्यप ने कंगना को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया कि जब अनुराग कश्यप ने कंगना को एक फिल्म ऑफर दी थी तो कंगना ने इस फिल्म में चेंजेस मांग लिए थे और कहा था कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में होनी चाहिए। लेकिन अब कंगना ने अनुराग की इस पूरी बात का जवाब दे दिया है और उन्होंने अनुराग कश्यप को कहा है कि अनुराग कश्यप बहुत ही बेशर्म है और झूठे हैं और एक जोकर है जो कि सब जगह झूठ फैलाता है। क्या है पूरा मामला, चलिए मैं आपको बताती हूँ। अनुराग कश्यप ने हाल ही में अपने इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म सांड की आंख पहले कंगना रनौत को ही ऑफर की थी, लेकिन कंगना रनौत ने इस फिल्म में चेंजेस मांग लिए। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में दो एक्ट्रेस की जगह आप एक ही एक्ट्रेस लो, यानी कि मैं, और जो बूढ़ा रोल है उसको आप यंग बना दो। ये दो चेंजेस आप कर लो, ये फिल्म मैं आपके साथ कर लूंगी। कुछ इस तरह की बात अनुराग कश्यप ने एक इंटरव्यू में कही। लेकिन अब इसी का जवाब देते हुए कंगना ने ट्वीट किया है और कहा है कि कुछ लिबरल्स हैं जो इधर उधर झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात, उन्होंने कहा कि अनुराग कश्यप ने उन्हें कभी सांड की आंख ऑफर ही नहीं की थी। विकास बहल और तुषार हीरानंदानी जो कि इस फिल्म को बना रहे थे, ये दोनों कंगना के घर पर गए थे इस फिल्म को उनके लिए ऑफर करने के लिए। कंगना ने जब इस फिल्म की स्टोरी सुनी तो वो कहती है कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि इस फिल्म में किसी यंग एक्टर को नहीं बल्कि किसी एजेड एक्टर को लेना चाहिए, यानी कि नीना गुप्ता जी टाइप्स। इसके बाद कंगना कहती है कि लेकिन फिल्म मेकर्स ने उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि वो एक फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट थे। इसके अलावा कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनको काम ही नहीं मिल रहा था, इसीलिए उन्हें अलग तरीके से अलग छवि में दिखाने के लिए ये जो प्रोजेक्ट जो एजेड एक्टर्स के लिए था उसमें यंग एक्टर्स को कास्ट किया गया और एजेड एक्टर्स का काम कुछ इस तरह से इन लोगों ने खा लिया। कंगना ने अपनी इस बात को खत्म करते हुए लिखा है कि मुझे बहुत शर्म आती है इन जोकर्स पर जो कि इस तरह से झूठ फैलाते हैं। तो कुछ इस तरह से कंगना रनौत ने अनुराग कश्यप को खरी खोटी सुना दी है। वेल, आपको बता दें कि कंगना रनौत जहां सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए फाइट कर रही है, जिसके लिए उन्होंने कई जगह इंटरव्यूज भी दिए, वहीं कुछ लोग हैं जो इस मामले के खिलाफ तो नहीं लेकिन अब कंगना के खिलाफ बोलने लग गए हैं। शायद इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो मामला है ये सुशांत सिंह राजपूत का मामला है, उन्हें जस्टिस दिलाने का मामला है। ये मामला कंगना ने क्या गलत कहा क्या किया इस बारे में नहीं है।